हेलो फ्रेंड, पीएससी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, मैथ्स की सीरीज चल रही है जिसमें हम लोग ऑलरेडी सिंप्लीफिकेशन, एवरेज, एज और रेशियो एंड अब पार्टनरशिप डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है, आज पार्टनरशिप का फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, अगर आपने जाकर पहले प्रीवियस के वीडियो नहीं देखे ना, तो पहले उनको वीडियो देखिए। आपको रेशियो से, क्योंकि मैं जो है पार्टनरशिप पूरा रेशियो से ही डील करवाने वाला हूँ आपको, तो जहाँ तक आपको रेशियो समझ में नहीं आएगा, पार्टनरशिप भी आपको इजीली समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो आप जाइए, पहले प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको सिंप्लीफिकेशन के जस्ट बाद रेशियो से स्टार्टिंग मिलेगी। रेशियो आपको अच्छा मिलेगा, 5 वीडियोज़ हैं उसके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्टनरशिप होता क्या है, इसके बेसिक क्या क्या है, कौन सा फॉर्मूला लगता है, कौन से क्या होते हैं। ठीक है, चलिए मैं थोड़ी इसके पृष्ठभूमि बना देता हूँ, कैसे क्या होता है, क्या क्या आता है, होती क्या है पार्टनरशिप में चीज़ें। देखिए, पार्टनरशिप नाम सुना होगा आपने, पार्टनरशिप 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 मतलब होता है साझेदारी, साझेदारी कहिए या फिर साझा कहिए। ठीक है, मान लिया जाए ए कोई व्यक्ति है और बी कोई व्यक्ति है, इन दोनों ने कुछ समय के लिए इन्वेस्ट किया, मतलब कुछ समय के एक व्यापार आरंभ कर रहे हैं ये, और ये जो है पैसे लगा रहे हैं। मान लिया जाए इसने 5,000 लगाए, मतलब इसने 5 रुपये लगाए, और इसने कितने रुपए लगाए, 3 रुपए लगाए। इसने मान लिया जाए कि देखिए इसका फॉर्मूला होता है इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, प्रॉफिट। अगर अपने को इन्वेस्टमेंट दे रखा है और टाइम दे रखा है तो क्या निकल जाएगा, प्रॉफिट। और अपने को अगर प्रॉफिट दे रखा है और टाइम दे रखा है, देखिए प्रॉफिट बाय टाइम आ जाएगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट। इसी तरीके से अपने को यदि इन्वेस्टमेंट निकालना है तो इन्वेस्टमेंट निकालना यहाँ से आ जाएगा। तो देखिए, अगर अपने को टाइम निकालने का बोले तो प्रॉफिट बाय क्या आएगा, इन्वेस्टमेंट। देखिए ये 3 सूत्र होते हैं मुख्य रूप से। ठीक, इनका यूज़ अगर आपको ये याद है ना, इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम, तो आप इन दोनों को भी अच्छे से डील कर पाओगे। ठीक, देखिए इन्वेस्टमेंट ये आएगा और उसके बाद क्या आएगा, इन्वेस्टमेंट टाइम, और ये क्या है, प्रॉफिट। ठीक, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम मतलब अगर वो बोल देता है कि ए ने जो है वो 7 महीने के लिए पैसे लगाए और बी ने कितने महीनों के लिए लगाए, तो 5 महीनों के लिए पैसे लगाए। अगर वो ऐसे बोलता है तो अपने को क्या करना है कि 5 तिया कितना होते हैं, 15, और 7 और 5 35, मतलब अब ये क्या है, अनुपात में आ गए, तो इसको काट लो, 5 तिया 15 और 5 सातों 35 कितना आया, 7:3। मतलब जो भी मिलेगा इनको प्रॉफिट, मान लिया जाए कि इनको मिला 1,000 रुपये, 1,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ। भाई दो जने हैं, कोई साझेदारी व्यापार शुरू कर रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, वो कुछ प्रॉफिट कमाएंगे। ठीक, तो प्रॉफिट कमाया उनने कितने रुपए, 1,000 रुपये, और ये बोल देगा, ये बोलेगा कि मैंने इतने रुपए लगाए थे 5,000 7 महीने के लिए, भाई मैंने पैसे भी ज्यादा लगाए और समय भी ज्यादा लगाए, तो इसलिए जो मेरा प्रॉफिट बनेगा वो 7 10,000 का 7 7 के भाग में बटेगा, और बी को मिलेगा 3 भाग, मतलब ये क्या है, 7x, और ये कितना है, 3x, और इसकी ओरिजिनल वैल्यू कितनी है, 1000। तो अपने को किसकी निकालना है, 7x की, मतलब 7 और 3 कितने हो गए, 10x। 10x की वैल्यू अगर 1000 है तो 1x की वैल्यू कितनी आ गई, 1x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 रुपये। अगर 1x की वैल्यू 100 है तो 7x की कितनी होगी, 7 × 100, x की जगह कितना लिख देना है अपने को, 100 लिख देना है, तो कितनी आ जाएगी, 700 रुपये। एक की आ जाएगी 700, अब जो बची वो बी की मिल जाएगी, मतलब कितने, 300। देखिए 7x था इसलिए 7 × x की वैल्यू कितनी आ गई, x। इसी तरीके से 3x था, 3 × कितने आ गए, 100, तो कितना आ गया, 300। ये होता है पार्टनरशिप, मतलब दो व्यक्तियों के बीच समय और इन्वेस्टमेंट का गुणनफल, मतलब उन दोनों का जो भी गुण होगा, जो भी जिस भी अनुपात में वो पैसे लगाएंगे उस अनुपात में उनको प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन में और आपको ज़्यादा क्लियरिटी आ जाएगी। ठीक है, आप ये फॉर्मूला याद रखिएगा, इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम इज इक्वल टू प्रॉफिट। ठीक है, चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या बोल रखा है, अभी अपनों ने क्या किया, दो जनों को लिया, लेकिन इसमें क्या बता रखा है कि अमन 70,000 रुपये लगाकर एक व्यापार शुरू करता है, 6 महीने बाद राखी 1,05,000 रुपये लगाकर तथा सागर 1,40,000 रुपये लगाकर अगले 6 महीने बाद शामिल हो जाता है। तो इसने पूछा है कि 3 वर्ष के बाद
उनके लाभों का अनुपात कितना होगा, मतलब 3 साल तक पैसे लगा रहे हैं, कितने महीने, कितने साल तक लगा रहे हैं, 3 साल तक लगा रहे हैं, मतलब मेरी बात सुनिए, अगर एक साल में 12 महीने होते हैं तो 3 साल में कितने महीने होंगे, 36 महीने होंगे। ठीक, तो अपने को क्या करना है, सबसे पहले अपना काम है कि व्यक्तियों को बना लेना है, कैसे, अमन, और उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या आ रही है, राखी। ठीक, तो राखी, और उसके बाद क्या आ रहा है, सागर, तो सागर बना लीजिए। ठीक, देखिए अमन ने कितने रुपए लगाए, 70,000 रुपए। ठीक, यहाँ पे लिख देंगे इन्वेस्टमेंट, और यहाँ पे क्या आ जाएगा टाइम, यहाँ पे क्या आ जाएगा प्रॉफिट। ठीक, इन्वेस्टमेंट कितना किया इसने, 70,000 रुपए का, और उसके 6 महीने बाद, मतलब अमन ने पैसे लगाए, उसके 6 महीने बाद कौन आ रही है, राखी। ठीक, तो देखिए राखी कितने रुपए लेके आई, 1,05,000 रुपए लेके आई। ठीक, और उस तथा लगाकर तथा सागर 1,40,000 रुपए लगाकर अगले 6 महीने बाद, मतलब देखिए अगर कितने साल का दे रखा है, 3 साल का, मतलब एक साल में 12 महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं, ये आपको पता है। ठीक, तो 3 साल में कितने महीने होंगे, 3 साल में कितने महीने होंगे, 36 महीने। यहाँ तक आया समझ में, देखिए इसने इसका कुछ नहीं दे रखा है, मतलब इसने कितने महीनों के लिए लगा है, 36, इसने पूरे 3 साल तक के लिए लगा है, लेकिन क्या हुआ, 6 महीने तक तो इसने पैसे लगाए रखे, उसके बाद 6 महीने बाद कौन आ गई, राखी। अब मेरी बात सुनिए, अगर जो है 6 महीने बाद आई है, मतलब 36 में से 6 गए तो कितने बचे, 3, मतलब ये 6 महीने बाद आई तो कितने महीने के लिए पैसे लगाई, 30 महीने के लिए पैसे लगाई, 30 महीने के लिए पैसे लगा दिए। और इसके बाद क्या हुआ कि सागर नाम का कोई लड़का था, वो 1,40,000 रुपए लगाकर अगले 6 महीने, मतलब राखी के आने के 6 महीने बाद, मतलब 6 इसमें से माइनस हो जाएंगे, 30 में से 6 जाएंगे, तो इसी तरीके से कितना आएगा, 24, 24 महीने के लिए पैसे लगाएगा ये सागर, कितने महीने के लिए पैसे लगाएगा, 24 महीने के लिए, कितने पैसे लगाएगा, 1,40,000 रुपये लगाएगा, 1,40,000 रुपये लगाएगा। ठीक, अब अपने को क्या करना है कि जो कट रहा है उसको काट दो, कैसे काटना है भाई, ये क्या है, ये दोनों अनुपात में है, ये इसके अनुपात में, ये इसके अनुपात में। ठीक, तो देखिए 4 शून्य कट जाएगी, कटेगी या नहीं कटेगी, देखिए 4 शून्य है, यहाँ पे कितनी है, 3 शून्य और 1 शून्य इसकी। ठीक, इसी तरीके से यहाँ पे क्या है, 4 शून्य। अब देखिए क्या कटने जैसा है, कटने जैसा क्या है, यहाँ पे कटने जैसा क्या है, एक काम करिए 3 शून्य काटिए, 3 शून्य कटे, 3 शून्य और 3 शून्य। ठीक, और उसके बाद क्या बचा, 70 यहाँ पे बचा, 105 यहाँ पे और 140 यहाँ पे, इसको काट दीजिए, 5 से कट जाएगा, 5 एकम 2 बचा, 5 चौके 20। ठीक, अब ये कटेगा, 5 दूने 10, 5 एकम 5, इसी तरीके से 5 दूने 10 और 5 8 40। ठीक, यहाँ तक आया समझ में, यहाँ पे सॉरी 5 आएगा 1 आएगा, 5 एकम 5 और 5 चौके 20। ठीक, तो देखिए ये कितना आया, 14, ये कितना है, 21, ये कितना है, 28, तो इसको 7 से काट दीजिए, 7 दूना 14, 7 तिया 21 और 7 चौके 28। ठीक, अब देखिए ये कैसे कटेगा, 6 से कटेगा, 6 6 36, 6 5 30 और 6 चौके 24, मतलब 4 × 4, अब ये क्या है, इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम, तो 4 × 4 कितना हो जाएगा, 16। इसी तरीके से 5 और यहाँ पे 3, 5 तिया कितना हो जाएगा, 15। इसी तरीके से यहाँ पे 6 दूना कितना हो जाएगा, 12, मतलब ए बी सी का अनुपात किस अनुपात में आया, 12:15:16। यही पूछा है अपने से, 3 साल बाद उनके लाभों का अनुपात ज्ञात करना है अपने को, तो अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी वाला करेक्ट हो जाएगा, मतलब ए अनुपात बी अनुपात सी कितना हो गया, ए अनुपात बी अनुपात सी, 12:15:16, यही क्या हो जाएगा अपना आंसर। ठीक, ये आया, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम, देखिए महीनों का ही खेल है, महीने का ध्यान रखना है आपको, कौन कितने महीने के लिए आ रहा है और कौन कितने महीने के लिए जा रहा है। देखिए यहाँ पे तो क्या है, डिजिट भी थोड़े नंबर नंबर भी बड़े बड़े थे। ठीक, 70,000, 1,05,000 आपको एग्जाम में बहुत इजी इजी मिलेंगे। ठीक है, आपको 7,000 मिल सकता है, 700 रुपये मिल सकते हैं, क्योंकि देखिए बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा तो प्रॉफिट भी बड़ा ही होगा। ठीक, इसमें इसमें तो क्या पूछ रखा है, इसमें पूछ रखा है कि केवल उनके रेशियो बताइए, उन्हें किस अनुपात में बटेगा पैसा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि अरुण, कमल और विनय नाम के कोई 3 लड़के थे, इन्होंने क्या किया कि एक व्यापार शुरू किया, उसमें क्या किया कि ए ने लगाए, मतलब अरुण ने लगाए 8,000 रुपये, कमल ने लगाए 4,000 रुपये और विनय ने लगाए 8,000 रुपये। ठीक, और आरंभ करते हैं, उसके बाद क्या हुआ, अरुण 6 महीने बाद व्यापार छोड़ देता है, अरुण
6 महीने के बाद क्या करेगा, व्यापार को क्विट कर देगा। ठीक, उसके बाद क्या करेगा, यदि 8 महीने बाद 4,005 रुपये मिले, 4,005 का लाभ हुआ, तीनों को लाभ हुआ, तो वो पूछ रहा है कि कमल का लाभ बताइए, मतलब अपने को किसका ज्ञात करना है, कमल का। ठीक, तो देखिए कैसे करना है। सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले अपने को करना है अरुण बना लेना है, अरुण, और उसके बाद क्या करना है, कमल, और उसके बाद क्या, कौन है, विनय। ठीक, ये तीनों है। देखिए अरुण का कितना भाग है, इन्वेस्टमेंट कितना है अरुण का, इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम इंटू क्या है, प्रॉफिट। यही तो इसका फॉर्मूला है, इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम इज इक्वल टू क्या, प्रॉफिट। ठीक, तो इन्वेस्टमेंट कितना किया अरुण ने, 8,000 रुपये का, इस किसके अनुपात में, देखिए 4,000 रुपये लगाए, किसने लगाए, कमल ने लगाए। ठीक, तो ये 4,000 रुपये लिख दीजिए। इसी तरीके से विनय ने कितने लगाए, तो विनय ने 8,000 रुपये लगाए, 8,000 रुपये लिख दीजिए। ठीक, उसके बाद देखिए कि अरुण ने 6 महीने बाद व्यापार छोड़ दिया, तो देखिए अरुण का है ये, तो अरुण क्या करेगा, 6 महीने तक लगाएगा। उसके बाद कमल का कुछ बोल रखा है क्या, कमल का कुछ नहीं बोल रखा, मतलब इसने कितने महीने तक लगाया, 8 महीने तक पैसे लगाए। और विनय ने भी कितने महीने तक लगाया, 8 महीने तक ही लगाए होंगे, क्योंकि इनका कुछ नहीं बोल रखा है ये बाद में आए, या क्योंकि तीनों ने साथ में स्टार्ट किया था। ठीक, तो अपने क्या करना है, जो कट रहा है उसको काट लो, 3-0 से 3-0 गई और अगले भी 3-0 चली जाएगी। ठीक, अब देखिए 8 8 8 तीनों में दिख रहा है आपको, तो देखिए काट लीजिए इसको, 8 8 8 तीनों में कट गया, यहाँ पे कितना बचा, एक, यहाँ पे कितना बचा, एक, यहाँ पे कितना बचा, एक, तो ये क्या आ जाएगा, 6 कम 6 ये कितना हो जाएगा, 4 एकम 4, इसी तरीके से 8 एकम 8। ठीक, कितना हो गया ये। अब देखिए ये भी कट रहा है, कैसे कट रहा है, 2 से 2, 3 6, 2 2 4, और ये कितना है, 2 6 8। ठीक, अब अपने को क्या बोल रखा है कि कमल का लाभ बताना है, तो देखिए ये कितना हो गया, प्रॉफिट हो गया 3x, ये कितना, 2x, और ये कितना, 4x। अरुण को मिला 3x, कमल को मिला 2x, और विनय को मिला 4x। तो देखिए सारा कितना है, ये 4, देखिए यहाँ पे मैं समझाता हूँ, 3x प्लस 2x प्लस कितना, 4x इज इक्वल टू कितना है, ये 4 3 7, और 2 कितने, 9, 9x, 9x की वैल्यू अपने को दे रखी है 4,005। ये क्या है, ये 8 महीने बाद ओवरऑल इतना प्रॉफिट हुआ 4,005 रुपए का, तो ये देखिए 9 से काट लीजिए इसको, 9 चौके 36 कितना बचा, 4 9 चौके 36, 4 बचा 9 5 45, 1x की वैल्यू कितनी आ गई, 1x की वैल्यू 445। तो अपने से कई की पूछी है, कमल की, कमल कहाँ है, ये रह गया 2x। ठीक है, तो 2 इंटू कितना है, 1x की वैल्यू 445, तो 4 4 5 इजिकल टू कितना आ जाएगा, 4 2 8 और 90, मतलब 890 रुपये, 890 रुपये मिलेंगे, किसको मिलेंगे, कमल को। ठीक, तो 890 कहाँ रह गया, ये रह गया ऑप्शन, फर्स्ट नंबर का ऑप्शन रह गया, अपने पास क्या आया, 890 रुपये। इसी तरीके से अगर वो विनय का पूछ लेगा तो कुछ नहीं करना है, 1x की वैल्यू अपनों ने ऑलरेडी निकाल चुके हैं कि 1x की वैल्यू 445 है, तो 445 इंटू 4 कर दीजिएगा, 4 चौक 16 9 2 18, मतलब 1,600 1,780 रुपये आ जाएंगे। ठीक, ये हो जाएगा। इसी तरीके से अगर वो अरुण की पूछता है तो अरुण की निकाल देंगे, देखिए मैंने, ठीक है ये आया समझ में, अगर ये तो आ गई कमल की, अगर वो अरुण की पूछता है तो अपने क्या करना है, अरुण की कैसे निकालेंगे, 2 इंटू 4 4 5, नहीं माफ कीजिएगा, 3 है ये, 4 3 12 45, 3 कितने हो गए, 135। ठीक, तो 4 3 12 और 13, 1,300 कितने, 35, ये कितने किसकी आ जाएगी, ये अरुण की आ जाएगी। ठीक, अब उसके बाद विनय की पूछता है, तो विनय की कितनी है, 4 इंटू 4 4 5, 4 चौक कितने होते हैं, 16, और 45 का 4 बार इंटू होगा तो कितना आएगा, 180, भाई 16 और 17 80 आ जाएंगे, 1,780 रुपये, 1,780 किसका आया, विनय का। ठीक, और 1,335 किसका आया, अरुण का। यहां तक आया समझ में, किसी को कोई प्रॉब्लम, देखिए अगर प्रॉब्लम आ रही है तो आप इसको रिवर्स कीजिएगा, थोड़ा सा प्रीवियस जाएगा, आप शुरू से देखिएगा, आपको मेरे, मैं जो बोल रहा हूँ ना उन शब्दों पे आप अमल कीजिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसी तरीके से अगला क्वेश्चन भी है, देखिए क्या बोल रहा है, 3 साझेदार हैं ए बी और सी, अभी तक क्या हो रहा था, अभी तक नाम आ रहे थे अरुण कमल विनय शारदा रेखा राखी वगैरह वगैरह, है ना। तो देखिए इसमें क्या आ गया, इसमें नाम आ गए, तो सबसे पहले अपने क्या करना है, सबसे पहले नाम लिखना है। ठीक, तो देखिए ऐसे करना है, ए बी और क्या है सी,
यहाँ पे क्या करना है, इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम इंटू उसके बाद क्या प्रॉफिट। ठीक, देखिए ये क्या है, ये इस करने का तरीका है। सबसे पहले आप ये लिखिए, उसके बाद ये लिखिए, ताकि आपको क्या है कंफ्यूजन ना हो। ठीक, उसके बाद ए ने कितने रुपए लगाए, 40,000, तो ए के नीचे 40,000 लिख दो। इसी तरीके से बी ने कितने हजार लगाए, 80,000 रुपए, तो 80,000 लिख दो। उसी तरीके से सी ने कितने लगाए, 1,20,000, तो 1,20,000 इसके यहाँ लिख दो। ठीक, उसके बाद क्या बोल रहा है ये कि एक वर्ष बाद बी ने 40,000 रुपए निकाल लिए। देखिए बी ने 40,000 रुपए निकाल लिए, एक महीने बाद मतलब कितने महीने बाद, 12 महीने बाद। ठीक, एक साल मतलब 12 महीने। ठीक, देखिए 3 साल मतलब कितने, 36 महीने। तो एक साल बाद 40,000 रुपए निकाल लिए, तो बचे कितने, बचे कितने, 40,000 रुपए, 40,000 रुपए। ठीक, और उसके बाद क्या बोल रहा है, तथा 2 वर्ष बाद सी ने 80,000 रुपए निकाल लिए। मतलब क्या, एक वर्ष इसने निकाले, 2 वर्ष बाद सी ने कितने रुपए निकाल लिए, सी ने 80,000 रुपए निकाल लिए। मतलब इसने कितने महीने तक लगाए, 24 महीने तक तो लगाए, और उसके बाद क्या किया, 80,000 रुपए निकाल लिए, तो बचे कितने, 40,000, 40,000 रुपए बचे। ठीक, और इसने देखो, इसने कुछ भी नहीं किया अपने पैसों के साथ, कोई छेड़छाड़ नहीं की। मतलब इसने 36 महीने के लिए लगाए, इसने 12 महीने तक इतने लगाए, फिर बचे कितने, 24 महीने, 24 महीने के लिए 40,000 रुपए लगा दिए। इसने 24 महीने तक 12,000 लगाए, बचे कितने, 12 महीने, 12 महीने के लिए इसने 40,000 रुपए लगा दिए। अब जो कट रहा है उसको काट लो। कैसे काटना है, देखिए 3 शून्य काट ले कि 4 शून्य काटे, 4 शून्य काट लो, 4 शून्य कट जाएगी। इसमें काटना है ना, तो इसमें भी काटना है प्लस इसमें भी काटना है। ठीक, उसके बाद क्या है, यहाँ पे कटेगा तो यहाँ पे भी कटेगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, ये दोनों प्लस होंगे। ठीक, तो यहाँ पे कटा तो यहाँ पे भी कट जाएगा। ठीक, उसके बाद क्या करना है अपने को, 12 से काट देना है, कट जाएगा, बराबर कट जाएगा। कैसे कटेगा, 12 तिया 36, 12 एकम 12, और 12 दूना 24। इसी तरीके से 12 दूना 24 और 12 एकम 12। अब देखिए 4 एकम 4 और 12 दूना 24, 12 और 4 कितने हो गए, सॉरी माफ कीजिए, 12 दूना 24 और 4 कितने हो गए, 28। ठीक, इसी तरीके से 8 एकम 8 और 4 दूना 8, 8 और 8 कितने हो गए, 16। ठीक, इसी तरीके से अगला क्या होगा, अगला होगा कि 4 तिया कितने हो गए, 12। ठीक, अब देखिए इन दोनों को कैसे काट सकते हैं, तो इसको काटेंगे अपन 4 से, 4 तिया 12, 4 चौक 16 और 4 सौ 28। 3:4 कितना आएगा, 7। ये ऑप्शन में है क्या, 3:4:8 है। देखिए तो अगर ये नहीं है तो अपने क्या करना है कि ई ऑप्शन रहेगा, या फिर डी न रहते हुए ये वाला रहेगा, 3:4:7, ये अपना आंसर रहेगा। और अगर नहीं है तो इनमें से कोई नहीं करना है, इनमें से कोई नहीं। ठीक, ये आया समझ में कैसे करना है, बस आपको कैलकुलेशन पे थोड़ा सा ध्यान रखना है, बाकी हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि ए और बी क्रमशः 5,000 रुपये तथा 4,500 रुपये के रूप निवेश करते हैं, एक व्यापार आरंभ कर रहे हैं। तो ए ने कितने रुपए लगा दिए, 5,000 रुपये, और बी ने कितने रुपए लगा दिए, 4,500 रुपये। उसके बाद क्या हुआ, 4 महीने बाद ए ने अपने निवेश का आधा भाग निकाल लिया, तथा पुनः 2 महीने बाद बी एक तिहाई धन निकाल लेता है। ठीक, और उसके बाद बोल रहा है कि सी 7,000 रुपये लगाकर सम्मिलित हो जाता है। देखिए सबसे पहले क्या करना है, ABC बना लेना है, ए बी टू सी। उसके बाद क्या करना है, इन्वेस्टमेंट टाइम और उसके बाद क्या प्रॉफिट। ठीक, देखिए ए ने कितने लगाया, 5,000 रुपये लगा दिए, बी ने कितने लगाए, 4,500, सी ने कितने लगाए, 7,000 रुपये। पर ये कब लगाए वो अपन समय में देखेंगे। देखिए ए ने 5,000 रुपये लगाए, बी ने 4,500 रुपये लगाए, पर क्या हुआ, 4 महीने बाद ए अपने निवेश से आधा भाग निकाल लेता है। मतलब 4 महीने तक तो लगाएगा, 4 महीने तक लगाए ए ने, और उसके बाद क्या किया, अपने निवेश का आधा भाग निकाल लिया। मतलब 5,000 का अगर आधा निकालेगा, 5,000 का आधा निकालेगा तो कितना निकालेगा, वो 2,500 रुपये निकालेगा। ठीक, तो 2,500 रुपये निकाल लिए और 2,500 बच गए, 2,500 और 2,500 कितने, 50, 2,500 बच गए उसके पास। ठीक, और पुनः 2 महीने बाद, मतलब 4 महीने तो ये, और 2 महीने और 6 महीने, मतलब 6 महीने तक तो ये लगाएगा, और उसके बाद क्या करेगा कि एक तिहाई निकालेगा। मतलब 4,500 का एक तिहाई कितना होगा, तो 4,500 का एक तिहाई निकाल लीजिए कितना होगा, 3 एकम 3, 3 5 15, 0 0, 1,500 रुपये निकाल लेगा, 1,500 निकाल लेगा तो बचा कितना उसके पास,
भाई 4500 में से 15 गया तो कितना बचा? 3000 रुपये बचे, 3000 रुपये बच गए। ठीक, उसके बाद क्या बोल रहा है, जबकि सी 7000 रुपये लगा अगर सम्मिलित हो जाता है, जब इसने पैसे लगाए ना तब सी इस व्यापार में सम्मिलित हुआ, मतलब 6 महीने बाद सम्मिलित हुआ, तो बचे कितने महीने? अगर 1 साल के लिए लगा रहा है, कहाँ गया? ये रह गया। 1 साल के लिए लगा रहा है मतलब 6 महीने के लिए लगाएगा पैसे, मतलब 6 महीने तो बीत गए, और अगले 6 महीने के लिए लगा रहा है पैसे। ठीक, तो देखिए 6 महीने के लिए इतने इसने बी ने 4500 रुपये लगाए थे और बाकी बचे कितने? 6 महीने के लिए 3000 रुपये लगाए। इसी तरीके से 5000 रुपये 4 महीने के लिए लगाए थे और बचे कितने? 2500 रुपये। वो कितने महीने के लिए लगाएगा? 8 महीने, क्योंकि 8 4 12, 6 6 12, और 6 महीने के लिए बाद आया तो 6 महीने के लिए लगाएगा। ठीक, अब क्या करना है? अब अपने को काट लेना है जो कट रहा है। कैसे काटना है? देखिए 2 0 2 0 2 0, इसी तरीके से यहाँ पे कट जाएगी 2 0 और 2 0। देखिए ये कट गया, अब क्या कटेगा? 5 से कटेगा, बकायदा कटेगा। 5 एकम 0, 5 9 45, 5 एकम 5 चौके 20, और ये क्या है? 5 6 30, और 5 5 25। ठीक, 10 चौक 40, और 8 5 40, 40 और 40 कितने? ये दोनों क्या हो जाएंगे? प्लस। 40 और 40 कितने? 80। इसी तरीके से 6 9 की 54 और 36, देखिए 54 और 36 कितने हुए? 5 3 8 1 9, मतलब कितने? 90। इसी तरीके से 14 छंग कितने होते हैं? 84। ठीक, अब क्या करना है अपने को? अब इन सब काट लेना है। कैसे काटना है? तो देखिए 2 से कटेगा बराबर कटेगा, 2 चौके 8 0, 2 चौके 8 2 5 10, इसी तरीके से 2 चौके 8 2 2 9 10, 40 45 और 42 के अनुपात में कट गया। अब कैसे कटेगा? अब नहीं कटेगा ये। ठीक, 1 वर्ष बाद कितना लाभ हुआ? 5080 के रूप में लाभ हुआ। तो अपने से पूछ रहा है कि प्रत्येक सदस्य का कितना है? तो देखिए 4 2 8 4 3 12 और 5 2 7, मतलब कितना? 127। और इसको मान लो x, इसको x, और इसको भी क्या x, 127x हो गया। कैसे हुआ 127x? 40x को ऐड किया, 45x को ऐड किया, और 42x को ऐड किया, तो कितना आ गया भाई? इन सब की वैल्यू कितनी है? 127। और अपने क्या दे रखा है? ओवरऑल 5080। तो देखिए अगर 127x की वैल्यू 5080 है, तो 1x की वैल्यू कितनी आएगी? 7 चौके 28, मतलब 4 बार जाएगा 0, मतलब 1x की वैल्यू कितनी आ गई? 40। अब ये पूछ रहा है कि प्रत्येक की कितनी है? तो देखिए 1x की वैल्यू अगर 40 है, तो अपने को क्या निकालना है? एक ही निकालना है, मतलब 40 × x की जगह क्या रखना है अपने को? 40, तो 4 चौके 16, 1600 आ जाएगी। ठीक, इसी तरीके से बी है, 40 × कितना? 45, मतलब कितना? 45 × 18, कितने? 1800 आ जाएंगे। और सी का पूछ रहा है तो क्या करना है अपने को? 40 × कितना? 42, कितना आ जाएगा? 1680, मतलब क्या है? 1600 1800 और 1680, 1600 1800 1680, ये रह गया अपना सेकेंड ऑप्शन। मतलब अपने को ऑप्शन क्या आएगा? सेकेंड वाला 1600 1800 और 1680। ठीक है, ये आया समझ में कैसे महीनों को निकालना है, किस तरीके से महीने में ऐड हो रहा है, कैसे डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, ये सब अपने को क्या ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि ए बी सी तीन क्या है? भागीदार है। उनने क्या किया? साझेदार है। उन्होंने क्या किया कि एक व्यापार शुरू किया। उस व्यापार में क्या किया कि ए ने बी से 4000 रुपये अधिक लगाए तथा बी ने सी से 5000 रुपये अधिक लगाए। यदि कुल मिला के 35000 रुपये का लाभ हुआ, तो ए का हिस्सा बताना है अपने को। ठीक है, तो क्या करना है अपने को? सबसे पहले अपने को ए बी सी बना लेना है। ए अनुपात बी अनुपात क्या आएगा? सी। और उसके बाद क्या करना है? इन्वेस्टमेंट टाइम, और ये क्या है? प्रॉफिट। ठीक, देखिए इस तरीके के क्वेश्चन को अपने क्या करना है, जो 100 है, जैसे 100 कौन है? बी सी से 5000 रुपये अधिक लगाता है और ए बी से 4000 रुपये अधिक लगाता है, मतलब सी क्या है? सी हमेशा 100 रहेगा इस कंडीशन में। मतलब ये क्या है? एक्स एक्स है। देखिए ए ने बी से कितने लगाए? 4000 रुपये अधिक, और बी ने सी से कितने? 5000 रुपये अधिक, मतलब सी से 5000 रुपये अधिक लगाना। तो सी अगर एक्स लगा रहा है, तो बी कितने लगाए? एक्स प्लस 5000 रुपये। यहां तक आया समझ में? ठीक, उसके बाद देखिए बी से सी से 5000 रुपये अधिक लगाए, मतलब सी से 5000 रुपये अधिक लगा दिया। अब ये बोल रहा है कि बी से 4000 रुपये अधिक लगाता है ए, तो बी ने लगा एक्स प्लस 5000, और इससे भी 4000 रुपये अधिक लगाता है, मतलब ये कितना लगाता है? एक्स प्लस 5 और 4 कितने? 9000।
मतलब 9,000। अब देखिए ओवरऑल कितने पैसे लगा रहा था ए बी सी, और कितने मिलकर कितने पैसे लगा रहे थे मिलकर, वो लगा रहे थे 50,000 रुपये। अब मेरी बात सुनिए, 9,000 ये और 5,000 ये कितने हो गए, 14,000। अगर मैं इन 14,000 को इस इनके भाग से निकाल दूं तो क्या अपने को ओरिजिनल एक तीनों का एक भाग मिल जाएगा, बराबर मिल जाएगा। मतलब इसमें से क्या करना है अपने को, 14,000 माइनस कर दो, 14,000 माइनस किया तो आया कितना, 36,000। अब देखिए इसके पास भी एक्स बच गया, इसके पास भी एक्स बच गया, और इसके पास भी एक्स बच गया, मतलब कितना हो गया, एक्स 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 3x। ठीक, देखिए एक्स यहाँ पे बच गया, मतलब एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स कितने हो गए, 36,000 रुपये। 3x की वैल्यू कितनी, 36,000। तो 1x की वैल्यू कितनी, यहाँ से निकाल लीजिए 1x की वैल्यू, 1x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12,000 रुपये। अगर 1x की वैल्यू 12,000 है आपको सीधा सीधा पता चल गया कि सी के पास कितने रुपए रहे होंगे, 12,000 रुपये। इसी तरीके से बी के पास कितने रहे होंगे, भाई 12,000 तो रहे होंगे, 5,000 और ज्यादा, मतलब 12 और 5 कितने, 17,000 रुपये। इसी तरीके से ए के पास कितने रहे होंगे, भाई 17,000 से कितने, एक्स से 9,000 रुपये ज्यादा, मतलब 12 से 9, मतलब कितने, 21,000 रुपये रहे होंगे, 21,000 रुपये ज्यादा रहे होंगे। अब देखिए अब ये बोल रहा है कि कुल निवेश में, देखिए अपने को क्या दे रखा है, समय का अनुपात नहीं दे रखा है, मतलब समय अपन मान लेते हैं कि 1 साल के लिए, 1 साल के लिए और 1 साल के लिए, मतलब 12 महीने 12 महीने 12 महीने, मतलब 12 एकम 12 एकम 12 एकम, मतलब क्या आएगा, एक 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 का अनुपात आ गया। 21 एकम एक करेंगे तो 21, 17 एकम एक करेंगे तो 17, और 12 एकम 12 करेंगे तो कितना, 12,000। ठीक, देखिए अब ये क्या हो गया, ये क्या आ गया, ये इनके इन्वेस्टमेंट और टाइम का प्रॉफिट, ये आ गया इन्वेस्टमेंट और टाइम का, मतलब ये क्या है, कुल निवेश में से एक का हिस्सा कितना है, ठीक, कुल हिस्सा कुल लाभ कितना हुआ, 35,000 का लाभ हुआ। तो अपने क्या करना है, 3 शून्य 3 शून्य और 3 शून्य कितने हो गए, भाई ये देखिए 2 3 4 और 7 3 10, मतलब कितना हो गया, 50x, 21x प्लस 17x प्लस कितने, 12x की वैल्यू अपने कितनी दे रखी है, 35,000, मतलब ये कितने हो गए, 50x, 50x की वैल्यू कितनी है, 35,000। तो अपने को क्या करना है, अपने को 1x की वैल्यू निकालना है, कैसे निकालेंगे, 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, 5 7 35 00, x की वैल्यू कितनी आ गई, 700। अगर x की वैल्यू 700 है और ये पूछ रहा है कि a का भाग निकालना है, तो a का कितना है, 21x। ठीक, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, भाई 21 x, x की जगह क्या लिखना है, 700, तो कितना आएगा, 147 00 आएगा, इसमें देख लो कहाँ आ रहा है, ये रह गया 147 00, मतलब अपना आंसर क्या हो जाएगा, डी। आया समझ में यहां तक, किसी को कोई डाउट इसी में, डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं, चलिए इसको तो काटना ही पड़ेगा। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एबीसी एक व्यापार में शामिल होते हैं। ठीक, एबीसी कौन है, 3 साझेदार हैं, वो क्या है, एक व्यापार में शामिल हो रहे हैं। एक आरंभ में कुछ धन निवेशित करता है, 6 महीने बाद बी ए का 2 गुना धन निवेशित करता है, और 8 महीने बाद सी ए का 3 गुना धन निवेश करता है। यदि वर्ष के अंत में 27,000 रुपये का लाभ हो रहा है तो वो पूछ रहा है कि ए का लाभ कितना है। ठीक, तो अपने को क्या करना है कि ए बी सी 3 व्यक्तियों को बना लीजिए। सबसे पहले तो ए आरंभ में कुछ धन निवेशित करेगा, ठीक, और उसके बाद क्या होगा, 6 महीने बाद वो फिर कुछ धन निवेश करेगा। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है अपने को, सबसे पहले करना है अपने को कि 3 व्यक्तियों को बना लो, कैसे बनाना है, ए बी और सी, उसके बाद इन्वेस्टमेंट, उसके बाद टाइम, और उसके बाद क्या, प्रॉफिट। ठीक, ए ने आरंभ में कुछ धन निवेशित किया, 6 महीने बाद बी ए का 2 गुना धन निवेश करता है, मतलब देखिए ए ने अगर 1 रुपये करे होंगे तो ए के धन का 2 गुना 6 महीने बाद आ रहा है, मतलब 6 महीने बाद 2 गुना, मतलब 2x लेके आएगा। ठीक, उसके बाद क्या करेगा कि और 8 महीने बाद सी ए का 3 गुना, सी ए का 3 गुना, ए का मतलब ए का 1x है तो इसका 3 गुना कितना होगा, 3x। ठीक, अब देखिए समय देख लीजिए, इसका तो बोल नहीं रखा है, ए का मतलब ए ने तो पूरा कितने महीने तक लगाया, 12 महीने तक, तो इसके यहाँ 12 लिख दीजिए। ठीक, और इसका बोल रहा है कि बी जो है 6 महीने बाद आया, मतलब 6 महीने बाद आएगा, मतलब कितने समय के लिए लगाएगा, 6 महीने के लिए पैसे लगाएगा। ठीक,
और उसके बाद बोल रहा है कि 8 महीने बाद C1 का तिगुना धन लगाता है, मतलब 8 महीने तो 1 साल के बीत गए और उसके बाद 4 महीने के लिए पैसे लगाएगा, जो रिमेनिंग पार्ट है उसी के लिए लगाएगा, तो 4 लिख दीजिए यहाँ पे। ठीक, अब ये हो जाएगा 12x, 12 × x कितना हो जाएगा 12x, इसी तरीके से 6 × 2 कितना हो जाएगा 12x, और इसी तरीके से यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये कितना है 4, भाई ये कितना है 4, 4 दिया 12x। ठीक, मतलब 12 एकम मतलब 1:1:1, एक्स मान लो इसको x। ठीक है, वर्ष के अंत में 27,000 रुपए का लाभ हो रहा है, तो सी का लाभ बता रहा है हमने को। तो देखिए एक एक्स प्लस एक एक्स की वैल्यू कितने दे रखी है, 27,000 रुपए है, 1, 2, 3 एक्स हो गए। ठीक, और पूछा है कि 27,000 रुपए में से सी का लाभ कितना है, तो 3×9=27,000। भाई एक एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 9,000, एक एक्स की वैल्यू 9 है तो एक एक्स की वैल्यू कितनी, वही पूछा है भाई 3x है उसमें से एक एक्स की वैल्यू कितनी है, तो एक्स की वैल्यू 9,000 है, मतलब एक एक्स की वैल्यू भी 9,000 ही होगी। नहीं आ रहा समझ में, तो यहाँ पे कर लो 1×9,000 = कितना आएगा 9,000। ठीक, यही क्या हो जाएगा अपना आंसर। आया समझ में, किसी को कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इस तरीके क्वेश्चन नॉर्मली बनते हैं क्वेश्चन, तो देखिए इसको देखिए आप क्या बोल रहा है। ए बी सी 520 रुपए में एक कार किराए पर लेते हैं, भाई तीन दोस्त होंगे, उनको कहीं जाना होगा, हो सकता है उनके घूमने का कहीं प्लान बन गया हो, और उन्होंने कहा कि 520 रुपए में एक कार ले लेते हैं किराए पर। ठीक, तथा क्रमशः 7, 8 और 11 घंटे उपयोग करते हैं। ठीक, तो अपने क्या करना है, उसी तरीके से भाई ए बी और सी इसमें क्या है इन्वेस्टमेंट टाइम, और यहाँ क्या है प्रॉफिट हुआ होगा। ठीक, प्रॉफिट नहीं मतलब उनको खर्च, मतलब उसका देना है डिवाइड करके, तो वो क्या करेंगे उसी तरीके से उसको डील करेंगे। कैसे करेंगे भाई, ओवरऑल कितने रुपए हैं 520 रुपए। ठीक, ए ने क्या किया 7, 8 और 11 घंटे के लिए उसको इस पे लिया, मतलब 7, 8 और 11 कितने हो गए भाई, इन्वेस्टमेंट है 520 रुपए का, मतलब किराए में हिस्सा ज्ञात करना है, मतलब इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं है, एक 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 मान लो इसको, 7 एकम कितना हुआ 7, इसी तरीके से 8 एकम 8, 11 एकम 11, अब इन दोनों को प्लस किया 7, 7, 15 और 11 कितने हो गए 26 भाई। यहाँ देखो 7x 8x 11x = कितना 26x, 26x की वैल्यू है 520 रुपए, मतलब इतने इतने रुपए देने पड़ेंगे उसको। कैसे 26x से काट लो इसको, 26×2=52, 1x की वैल्यू कितनी आ गई 20, अगर 1x की वैल्यू 20 है तो अपने से क्या पूछा है किराए में हिस्सा, मतलब तीनों का पूछा है। तो देखिए अगर ए से एक का हिस्सा पूछेगा, 7 घंटे के लिए यूज करी थी उसने, तो 7×20 मतलब इसको 140 रुपए देने पड़ेंगे। इसी तरीके से बी को कितने देने पड़ेंगे, बी को देने पड़ेंगे 8×20 मतलब 160 रुपए। इसी तरीके से सी को, सी ने कितने 11 घंटे के लिए यूज करी, मतलब 11×2=22, 220 रुपए देने पड़ेंगे। अगर आपको डाउट लग रहा है इस क्वेश्चन में तो आप क्या कर सकते हैं 2, 3, 4 और 1, 5, 20 मतलब अगर आपका आंसर से भी मैच कर सकते हैं आप कि वाकई में इतने पैसे लगे होंगे या नहीं लगे होंगे, तो 200, 300, 400 और 160 और 40 कितने 100 और 20 कितने 520। ठीक, यहाँ तक आया समझ में, यहाँ तक किसी को कोई डाउट आई होप नहीं होना चाहिए डाउट। ठीक है, एक्स लग गया, यहाँ पे किसी को कन्फ्यूजन ना हो इसलिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए इसमें क्या है, ए बी सी तीन मिलकर एक क्या करते हैं कि चारागाह किराए पर लेते हैं, ये क है। ठीक, किराए पर लेते हैं। ए क्या करता है कि 10 बैल को 7 महीने के लिए चराता है, बी क्या करेगा, बी लाएगा 12 बैल, वो कितने महीने के लिए चराएगा 5 महीने के लिए, और साथ ही सी क्या करेगा 15 बैलों को 3 महीने के लिए चराता है,
यदि कुल किराया 175 रुपए बना तो सी को कितना किराया देना पड़ेगा, ये पूछ रहा है। ठीक, तो अपने को क्या करना है, उसी तरीके से इसको डील करना है। कैसे डील करना है, देखिए एबीसी बना लीजिए। सबसे पहले क्या करना है, एबीसी बना लो, ए बी सी। यहाँ पे क्या आएगा, इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे क्या आएगा टाइम, और यहाँ पे क्या आएगा प्रॉफिट। मतलब देखिए उसको इन्वेस्टमेंट करना है, टाइम लगाएगा प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन यहाँ क्या कर रहा है, 10 बेल क्या हो जाएंगे उसके इन्वेस्टमेंट, टाइम क्या हो जाएगा 7 महीने का। भाई 10 बेल लगा रहा है मतलब वो कुछ पैसे देने हैं इसीलिए बेल लगा रहा है उसको। ठीक है, चारागाह उधार ले रहा है तो गाय बेल लगा रहा है, तो बेल कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट देगा उसको। ठीक, वो प्रॉफिट जो भी दो वो जाने। ठीक है, देखिए 12 और 15 ये क्या है बेल, ये क्या है बेल, ये क्या है बेल। ए ने कितने के लिए लगाया, 7 महीने के लिए, मतलब 7 महीने लग दो। बी ने कितने महीने के लिए लगाया, 5 महीने, 5 महीने लिख दो। सी ने कितने महीने के लिए लगाया, 3 महीने के लिए, मतलब 3 महीने लिख दो। ठीक, देखिए इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये क्या है ओवरऑल इतने महीने के लिए ही लगा रहे हैं, ये इतने महीने के लिए चरा रहे हैं। ठीक, आपको यूं नहीं लगना चाहिए कि वहां तो माइनस कर रहे थे 12 में से, यहाँ क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने क्या दे रखा है, इन्होंने एग्जैक्ट दे रखा है कि ये इतने महीने के लिए ही चराता है। ठीक, तो देखिए 10 7 कितने हो गए, 10 7 70, 12 5 60, 15 3 45। ठीक, अब इसको कैसे घट सकता है, ये 5 से 5 से घटेगा, 5 एकम 5 चौके 20, 5 एकम 5 दोनों 10, 5 9 45। ठीक, 14 12 और 9 मतलब क्या है, कुल किराया अगर 175 है तो देखिए 10 20 और ये कितने हो गए 26 और 9 कितने हो गए 35, 35 आ गए भाई। 14x हो गया, 12x है और ये क्या है 9x, इसको क्या मान लीजिए x, ये क्या है x, ये क्या है x। ठीक, 14 12 और 9x, इन सब की ओरिजिनल वैल्यू कितनी है, 175 रुपये इनको अदा करने हैं। ठीक, मतलब ये कितना हो गया 35x, 35x इजिकल टू इसकी वैल्यू कितनी है 175। तो देखिए इसको इससे काट लीजिए, कितनी बार जाएगा 5 बार जाएगा, कैसे जाएगा काट लीजिए, 5 7 35, 5 7 35 एक्स और 5 3 15, 5 7 35, 5 5 25, सॉरी माफ कीजिएगा, 7 से काटेंगे, 7 5 35, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, एक्स की वैल्यू 5 आई। अब इसने पूछा है कि सी को किराए में कितने रुपए देने पड़ेंगे। ठीक, तो देखिए सी का भाग कितना है, यहाँ पे ए बी सी तीनों का निकाल लीजिए, ए बी सी। देखिए सी है 9, एक्स की वैल्यू कितनी आई 5, तो अपने की यहाँ पे क्या करना पड़ेगा 5, मतलब 9 5 45 रुपये। ठीक, मतलब अपना आंसर क्या हो जाएगा ए वाला, अगर वो ए और बी दोनों की पूछता है तो एक्स निकलने के बाद आप क्या कर सकते हो, तीनों की निकाल सकते हो, इजीली निकाल सकते हो। ठीक, बी का कितना है 12 है, मतलब 12 × 5, 12 5 कितना 60। इसी तरीके से 14 किसका है, ए का 14, एक्स की वैल्यू कितनी है 5, 14 5 कितने 70। मतलब देखिए आपको 60 भी आंसर दे रखा है ऑप्शन में, मतलब अगर आप थोड़ी सी भी गलती करिए आपने तो आप 60 आंसर टिक करके आगे बढ़ जाओगे, लेकिन आपको गलती नहीं करना है। आपको क्या है, भले अगर आपके पास टाइम बज रहा है तो आप तीनों निकाल सकते हैं, अगर आपको सी का ही दे रखा है तो केवल सी निकालिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कोई व्यापार है, ए और सी के निवेश का अनुपात दे रखा है और ए और बी के निवेश का अनुपात दे रखा है, और बोल रखा है कि 1,57,300 रुपए के लाभ में से बी का लाभ बताइए। ठीक भाई, तीन व्यक्ति कोई रहे होंगे, उनमें से उन्होंने क्या किया, तीन व्यक्तियों ने कुछ अनुपात में पैसे लगा दिए। ठीक, कैसे डिस्कस करना है इसको, सबसे पहले क्या बनाना है, एबीसी, तो अपने को यहां बना लेना है ए बी अनुपात सी। अगर आपने रेशियो की क्लास देखी होगी तो इसको कैसे डील करना है वो आप इजीली समझ जाएंगे। ठीक, तो देखिए यहाँ पे क्या है इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे क्या है टाइम, यहाँ पे क्या है प्रॉफिट। अब इसको कैसे करना है, तो यहाँ पे बना लीजिए ए इज टू बी
इस टू सी, देखिए ए और सी का अनुपात दे रखा है कितना, 2:1, तो यहाँ पे लिख दीजिए 2:1, ठीक है। और उसके बाद ए और बी का दे रखा है 3:2, मतलब ये कितना जाएगा 3:2। अब आप इसको कैसे करेंगे सोल्व, ठीक, तो इस सी को यहाँ से हटाइए, कहाँ से हटाइए, यहाँ से, ठीक, कैसे करेंगे, इस सी को यहाँ लिख दीजिए, कहाँ लिखना है, इस सी को क्या कहाँ लिखना है, यहाँ पर सी यहाँ पे लिखना है, और इसका अनुपात कितना दे रखा था 2:1, ठीक। अब देखिए बन गई वैसी कंडीशन, इसको यहाँ, इसका यहाँ, इसका इसमें इनटू, ठीक, मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा इसके नियरेस्ट वाला और इसके इसके नियरेस्ट वाला, मतलब यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 3, 3:3, 3 × 6, 2 × 4, 6 × 4 = 10, 13, ठीक आया। देखिए अब क्या करना है कि ए का अनुपात कितना है, ए का अनुपात 6, बी का अनुपात कितना है 4, और सी का अनुपात कितना है 3। इस अनुपात में लगा रहे हैं, समय नहीं दे रखा है, मतलब समय अपन क्या मान सकते हैं, एक अनुपात में लगा रहा होगा, एक अनुपात में लगा रहा होगा, एक अनुपात में लगा रहा, ठीक। तो 6 एकम कितना हो गया 6, 4 एकम 4, इसी तरीके से 3 एकम 3, देखिए ये क्या है 6x 4x 3x, ठीक है। अपने को क्या करना है, 6x हो गया, 4x हो गया, 3x हो गया, और उन्होंने बता रखा है कि ओवरऑल जो उनको प्रॉफिट हुआ है वो कितने रुपए का हुआ है, तो वो हुआ है 157,300 रुपए का, ठीक। तो देखिए 157,300 रुपए का अगर प्रॉफिट हुआ ना, तो आपको क्या करना है कि तीनों को प्लस कर देना है, कैसे, 6x 4x और कितना 3x। अब देखिए इन सब का कितना दे रखा है, 157,300 रुपए, ठीक। तो आपको क्या करना है कि b का हिस्सा निकालना है, तो देखिए 6 × 4 = 10 और 3 कितने, 13x की वैल्यू कितनी हो गई, 13x की वैल्यू अब आपके पास आ गई, तो इसको काट लीजिए, कैसे कटेगा, 13 एकम 13, 2 बचा, 13 × 2 = 26, और ये क्या है 1 बचा, 13 एकम 13, और क्या लग जाएंगे, 2 शून्य लग जाएंगे। अब 13x की वैल्यू मतलब 1x की वैल्यू कितनी आ गई, 1x की वैल्यू आ गई 121 00, 121 00 कितने की वैल्यू है, 1 की। तो इसने पूछा है कि 4x की वैल्यू कितनी है, भाई 1x की वैल्यू अगर 121 112,100 है, तो देखिए 4x की कितनी है, तो 4 × कितने हो जाएंगे, x की वैल्यू हो जाएगी, ठीक। तो देखिए 4 एकम 4 × 8 = 4 एकम और 00 48,400 रुपये हो जाएंगे, तो अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा, 48,400 मतलब सी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। चलिए देखिए इस तरीके से आपको सोल्व करना है ये वाले क्वेश्चन। पार्टनरशिप जो है बहुत इजी टॉपिक है, और देखिए हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपको 1 या 2 क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे आपको, ठीक। तो बेसिक कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं है इसमें, कैलकुलेशन थोड़ा सा है, और आपको क्या है कि महीनों का विशेष करके ध्यान रखना पड़ेगा। ये तो क्या है, इसमें तो अभी चल रहा है कि जैसे ये अनुपात दे दिया, अभी थोड़े से प्रीवियस में उनका बराबर दे रखा था, किस अनुपात में है, समय नहीं दे रखा है, तो समय को, अगर समय कुछ भी नहीं दे रखा है ना, तो आपको एक समय मानना है, एक समय मतलब तीनों का एक समय में रहा होगा, कोई आया गया कुछ नहीं हुआ, तो एक समय पे तीनों ने लगाया होगा प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट, तो तीनों का बराबर भागों मिट गया, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है। अगला क्वेश्चन करते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए और बी एक व्यापार में साझेदारी में प्रारंभ करते हैं तथा उनके निवेश का अनुपात 3:5 है, ठीक, निवेश मतलब इन्वेस्टमेंट, ठीक। सी 6 महीने बाद बी के बराबर पूंजी लगाकर व्यापार में शामिल हो जाता है, तो 1 वर्ष बाद ए बी सी के बीच किस अनुपात में लाभ का वितरण होगा। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है कि सबसे पहले ए बी सी बना लेना है, ठीक, ए बी सी, और यहाँ पे क्या है इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे क्या है टाइम, यहाँ पे क्या है प्रॉफिट। देखिए ए और बी एक व्यापार साझेदारी में आरंभ करते हैं, उनके निवेश का अनुपात कितना है 3:5, मतलब ये 3 लगा रहा होगा तो ये बी कितना लगाएगा 5, और इसने क्या बोल रखा है कि 6 महीने बाद बी के बराबर पूंजी लगा देता है और शामिल हो जाता है। सी कब आ रहा है 6 महीने बाद, और बात कितने की हो रही है 1 वर्ष की, मतलब 6 महीने बाद आ रहा है, तो समय कितना के लिए लगाएगा वो 6 महीने के लिए लगाएगा। देखिए 6 महीने बाद आ रहा है और 1 साल में 12 महीने होते हैं, तो 6 महीने के लिए ही पैसे लगाएगा, मतलब देख लीजिए यहाँ पे 6 महीने लिख दीजिए, 6 महीने के लिए पैसे लगाएगा,
और कितने पैसे लगाएगा? बी के बराबर पूंजी लगाएगा। बी ने कितने लगाए? पांच, मतलब 5 रुपए लगाएगा। ठीक, अब इन दोनों का तो कुछ नहीं बोल रखा है, मतलब ये दोनों किस अनुपात में लगाएंगे? ये दोनों 12 12 12 लगाएंगे, 12 12 महीने के लिए लगाएंगे। ठीक, अब इनको काट लीजिए। कैसे कटेंगे ये? 6 एकम 6, 6 दूना 12, और 6 दूना 12, 3 दूना कितने? 6। इसी तरीके से 5 दूना 10, इसी तरीके से 5 एकम 5। तो देखिए लाभ किस अनुपात में वितरण होगा? तो देखिए 6 10 5, ए बी और सी, ए का इतना, बी का इतना, सी का इतना, ये आ गया अपना आंसर। 6 अनुपात 10 अनुपात 5, यही होगा आंसर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि ए बी सी एक व्यापार क्रमशः 1 अनुपात 3 अनुपात 5 से प्रारंभ करते हैं, भाई इतने पैसे लगाएंगे। उसके बाद 4 महीने बाद क्या है? ए पुनः उतने ही रुपए निवेश करता है तथा बी सी अपने निवेश का आधा भाग निकाल लेते हैं, तो वर्ष के अंत में उनके लाभ का अनुपात क्या होगा? देखिए इस तरीके के क्वेश्चन क्या है, आपको केवल घुमाने के लिए आते हैं, बाकी इन क्वेश्चन में कुछ नहीं होता है। ये मैं आपको अभी बता देता हूँ कि इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है आपको। देखिए क्या है, 3 चीजें दे रखी है अपने को। क्या क्या दे रखी है? ए बी और क्या है? सी। देखिए किस अनुपात में लगा रहे हैं? 1 अनुपात 3 अनुपात 5। क्या लगा रहे हैं? पैसे, इन्वेस्टमेंट, टाइम, और यहाँ क्या है? प्रॉफिट। ठीक, 4 महीने बाद ए पुनः उतने ही रुपए निवेश करता है, मतलब 4 महीने बाद क्या करेगा? ये 4 महीने तक तो 1 रुपया लगाया इसने, और इसके बाद क्या करेगा? 1 रुपया और लगा देगा, मतलब ये 1 भी हो सकता है, 1,000 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो 1 रुपया और लगा देगा, मतलब कितने हो गए? 1 और 1 2 रुपए। कितने महीने के लिए लगा देगा? ये तो इसने बताया नहीं। और बी और सी क्या करेंगे? 4 4 महीने बाद आधा आधा निकाल लेंगे। आधा निकालेंगे मतलब 1.5 रह जाएगा, और इसका आधा निकालेंगे मतलब 2.5 रह जाएगा। ठीक, वर्ष के अंत में उनके लाभ का अनुपात ज्ञात करना है अपने को। तो देखिए 4 महीने हो गए, 8 महीने और बचे, ये कितने? 8 महीने और बचे, ये कितने? 8 महीने और बचे। ठीक, तो ये क्या हो जाएंगे दोनों? प्लस। ये भी क्या? प्लस। ये भी क्या? प्लस। 5 चौके 20 और 25 अट्ठे कितने? 20, मतलब 5 चौक 20, और ये कितने हैं? 2, मतलब यह आ जाएगा 20, और ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2, तो ये कितने हैं? 22। इसी तरीके से 15 अट्ठे कितने होते हैं? 120, मतलब कितने हैं? 12, और ये कितने हैं? 4 3 12। ठीक, 12 और 12 कितने? 24, और इसी तरीके से ये 25 2.5, ये भी 20 होगा, माफ कीजिएगा। तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 20 और 20 40। इसी तरीके से 4 एकम 4 और 8 दून 16, 4 एकम 4 हुआ और 8 दून 16 हुआ, तो 16 और 4 कितने हो गए? 20, 20 24 40। अब ये कहीं से कट सकता है? तो 4 से कट सकता है। 4 और 5 20, 4 6 24, और 4 एकम और 0, 5 अनुपात 6 अनुपात 10 के अनुपात में बटेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन है क्या? ऑप्शन थोड़े से गड़बड़ हो गए, ये वाला ऑप्शन है, देखिए ये वाला 5 अनुपात 6 अनुपात 10। ठीक, आपका आंसर आएगा, अगर वो ए बी सी के पूछता है, ए बी सी, तो आपका आएगा 5 अनुपात 6 अनुपात 10 के अनुपात में वो पैसे देगा। ठीक, आया समझ में? यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत? देखिए दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, देखिए तो ये था आपका ओवरऑल सेशन, आई होप समझ में आया होगा। और देखिए ये पार्टनरशिप का फर्स्ट पार्ट था, आने वाले वीडियोस में आपको और अच्छा कंटेंट मिलेगा, और अच्छा, जैसे ये तो बेसिक लेवल के थे, आने वाले वीडियोस और अच्छे लेवल के होंगे। ठीक, और आपको क्या है, बेसिक से लेके चल रहे हैं, बेसिक से आपको चीज़ें क्लियर होती जा रही है, तो आपको और अच्छा कंटेंट मिलेगा। आप जुड़े रहिए इसी प्लेटफॉर्म से। ठीक है, जो थैंक यू सो मच।